मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, आपकी एक्सरसाइज 3.1 को हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसमें हमने ये देखा था कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं, कौन से क्या क्या नंबर होते हैं, और उनसे रिलेटेड हमने क्या किया कि एक्सरसाइज आपको दी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आपकी एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स की बात करते हैं। देखिए बेसिक्स में क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बेसिस में हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर कैसा होगा, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो कैसा होगा। मींस टू से मुझे चेक करना है कि आई वांट टू नो कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3, 4, 6, मैंने ये ले लिया, मैंने कहा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो मतलब आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मतलब इस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाने हैं, ये क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे, उनके आंसर बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे करना है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 की बात करें, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन दी होती है। देखो आपकी बुक के बेटा पेज नंबर 55 पर देखिए, उसमें हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 एक टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर कंडीशंस फॉर डिविजिबिलिटी है, एग्जांपल में, ठीक है। देखो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कंडीशंस की क्या होती है, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, जो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट में क्या आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, ये डिजिट आ जाती है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 60, एग्जांपल 56, एग्जांपल 32, देख लो 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 30 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 28 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 11 बन जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल हो गया ना, तो कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में ये डिजिट होने चाहिए, ठीक है, इतने समय पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, किसी भी नंबर के अगर डिजिट्स का सम, एग्जांपल है ना 1, 2, 6, मैंने ये लिखा, ठीक है, किसी भी नंबर के ये नंबर है, नंबर के डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 6 है, ठीक है, ये जो डिजिट्स हैं इनके डिजिट्स का अगर सम मैं करूं, इनके डिजिट्स का अगर मैं क्या करूं सम करूं तो वो क्या बनना चाहिए, 3 से डिविजिबल हो गया। मैंने इनका सम किया, जैसे 1 + 2 डिजिट्स का सम करो, 1 + 2 + 6 कितना बना, 6, 2, 8 बन रहा है, क्या 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 9 से 3 की टेबल में 3 पर आता है ना 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, इट मींस ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है इसको भी, मैं चेक करूं डिवाइड करके, मुझे बस ये देखना है अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल बन रहा है, 3 से डिविजिबल है ना डिजिट्स का सम, तो इट मींस ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, चेक करो, करो चेक, देखो 3, 4, 12, 3, 2, 8 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, इस तरीके। अभी तो छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर हो तो कैसे करें, तो प्रॉब्लम हो, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है। बात करें 4 की, 4 में क्या होगा बेटा, 4 क्या होगा, 4 में अगर हमें देखना है तो लास्ट किसी भी नंबर के अगर लास्ट दो डिजिट्स, किसी भी नंबर के लास्ट दो डिजिट्स क्या हो अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो क्या होता है, नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होता है। मैंने जैसे लिख दिया 448, इस नंबर का दो लास्ट डिजिट देखना क्या है, 48 है, क्या 48 4 से डिविजिबल है, अरे भाई 48 4 से डिविजिबल है, चेक करो लास्ट के दो डिजिट्स को, देखो लास्ट के दो डिजिट से ये नंबर बन रहा है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, चेक करो 4 1 4 4 हो जाएगा, हो रहा है ना डिविजिबल 4 से, इट मींस ये कंप्लीट नंबर भी 4 से क्या है, डिविजिबल हो गया। 5 का टेस्ट, जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता हो, अगर लास्ट डिजिट क्या हो, अगर लास्ट डिजिट
अगर लास्ट डिजिट हमारा क्या हो रहा है, जीरो और फाइव हो रहा है, तो हमारा नंबर क्या होगा, फाइव से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल दो, 50, जीरो आ रहा है ना, मैंने लिख दिया 75। देखो 75 भी 5 से डिविजिबल है और 50 भी 10 पर जाता है, तो ये हमारा 15 पर जाता है, 5 भी 10 पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिविजिबल होते हैं। चलिए 5 तक के रूल्स मैंने आपको बता दिए एकदम। अब देखिए नेक्स्ट 6 का डिविजिबिलिटी, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 6 एज वेल। अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, अगर कोई नंबर डिविजिबल है 2 और 3 दोनों से, इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं 48 या फिर 36, ठीक है 12। देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल है 12 या 24, 3 से डिविजिबल है 8 या 24, तो क्या 6 से डिविजिबल हो रहा है? हां भाई, 6 4 का कितना होता है 24 होता है, हो गया ना। देखो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से बात करें तो 18 पर जाता है और 3 से बात करें तो 12 पर जाता है, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? हां भाई, 6 से क्या जाता है, 6 पर जाता है ना। 12 2 से डिविजिबल है, हां भाई 2 से डिविजिबल है, 6 पर जाता है। 3 से है भाई जाता है 4 से, क्या 6 से डिविजिबल है? हां भाई 6 से कितने पर जाता है, 2 पर जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 6 के लिए। अब बात करें 8, बेटा 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपके नहीं है, आपका 8 का ही है, ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 8 का देखिए, 8 का अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, वो नंबर कंप्लीट 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। देखो कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल है 8 का 152 या फिर 2915, एग्जांपल है ये लिख दिया मैंने नंबर, इस नंबर के अगर लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। देखो कैसे, 152 को चेक करो, डिवाइड बाय 8, 8 बन जाए 8, 8 9 जा 72, ठीक है 19 पर गया, ठीक है। अब देखो ये 19 पर गया, अब 19 पर तो ये सॉल्व हो गया कि मींस 8 से ये जो नंबर है 3 डिजिट वाला वो डिविजिबल हो रहा है, मतलब इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, इट मींस ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए 9 की बात करते हैं, नाइन में क्या कहता है डिविजिबिलिटी, अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम क्या बनता है बेटा, 9 से डिविजिबल हो, किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो रहा है, इट मींस वो क्या होगा, पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। मैंने लिख दिया 144, ये नंबर लिख दिया। अब देखो इसके डिजिट्स का सम करना बेटा, डिजिट्स का सम क्या हो गया, 1 + 4 + 4 क्या बन गया, 9 बन गया ना, तो 9 से 9 डिविजिबल होता है, तो हाँ भाई इनमें से कंप्लीट नंबर भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब बात करें 10 से, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है वो 10 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। बात करें 11 की, देखिए 11 के लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंस फाइंड करना होता है, किसका किसका डिफरेंस, किसका किसका सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स में से माइनस करना होता है सम ऑफ
इवन प्लेस इज डिजिट, ये करना होता है। अगर ये कोई ऐसा नंबर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो इसके एग्जांपल है, देख ओड प्लेस पे कौन है, 1 3 5 नंबर वाला है ना, ये वन्स प्लेस पे है, ये फोर प्लेस पे है और ये उस प्लेस पे। चलिए तो फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है ना, और ये क्या है, ये इवन वाले हैं, सेकंड नंबर पे फोर्थ नंबर, ठीक है। तो ये ओड वाले हैं, इनका एडिशन करो 9 + 7 + 8, इनमें से क्या माइनस करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, इवन प्लेस पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है और 0 आ रहा है, 2 + 0, तो वही देखना 9 + 7 = 8, 15 and 9 24 माइनस ये 2 + 0 क्या हो गया 2, 24 माइनस 2 दैट विल कम 24। अब देखो क्या ये 22 11 से डिविजिबल है, हाँ भाई 11 से डिविजिबल है, 11 की टेबल में 2 पर आते हैं ना, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो वो जो पूरा नंबर है हमारा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल, ये 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको चेक करना था, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए ये आपका बेसिक्स है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यस और नो ही बताना है हमें, ठीक है। हालांकि आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है, आपको बुक में ही करना है, आप लोग बुक में ही करेंगे बेटा ये क्वेश्चन। मैं आपको देखो डिविजिबल बाय 2, यहां लिखा डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, सिमिलरली डिविजिबल बाय 4, ऐसा कुछ आगे लिख लो, यहां नंबर दिया हुआ है 8200। हां जी, तो पहले कहता है यहां पे यस और नो बताओ, अगर डिविजिबल है तो यस लिख दो, अगर डिविजिबल नहीं है तो नो लिख दो। तो 2 से डिविजिबल चेक करते हैं, तो मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, जिस नंबर के लास्ट में डिजिट 0 2 4 6 8 होते हैं वो 2 से डिविजिबल होता है, तो इसके लास्ट में 0 है, मींस यस ये 2 से डिविजिबल होता है। अब 3 के डिविजिबिलिटी के लिए रूल देखें, तो देखिए 8 2 देखो डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, तो डिजिट्स का सम देखो 8 + 2 = 10, 10 + 0 = 0, 10, क्या 10 3 से डिविजिबल है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अब 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 4 से क्या होगा बेटा, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट अगर हमारे नंबर के अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो भाई चेक कर लेते हैं 0 + 0 + 0 0/4 0 कंप्लीट डिविजिबल है, इट मींस भाई हमारा ये पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, तो यहां पे यस। इस तरीके से आपको टेबल को क्या करना है कंप्लीट करना है, ठीक है, आपको टेबल को क्या करना है कंप्लीट करना है। तो ये आपकी टेबल आज का वर्क है, आप ये टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज ये आपका वर्क हो गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।